हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली परीक्षण मंथ ऑफ सितंबर 2021 में मई मंथ में कैंसर असेंडेंस के लिए, करक लगन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिवार्ड्स हैं, क्या स्ट्रगल है, कितनी स्ट्रगल है, किस तरह का लाइफ आप लोग देखेंगे। करक लगन के लिए मंथ ऑफ सितंबर क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, क्या स्ट्रगल पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, सीनियर्स के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, अनएम्प्लॉयड हो, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि आपका लगन क्या है, क्या आप करक लगन से लिंक्ड हो, क्या आपका कैंसर असेंडेंस है। तो इस वीडियो को सुने, आपको डेफिनेटली कुछ टास्क दिए जाएंगे, कुछ चैंटिंग बताई जाएगी। अगर वो मंत्र साधना आप करेंगे, अगर वो किस आप चैंटिंग करेंगे, रेमेडीज करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल रेमेडीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा और उस पॉजिटिव चेंज को आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाएंगे। आपकी स्ट्रगल कम होगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी और हर लिहाज से आपको सक्सेस मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसर असेंडेंस का मंथली प्रेडिक्शन, सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ को लेकर जो डायनामिक्स की पोजीशन है, देखें 14 सितंबर तक यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। सम स्टमक रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, नीज रिलेटेड ट्रबल विल इरिटेट यू। यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन रिलेटेड टू योर हेल्थ। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट गुड रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उलझन ऐसी बनी रहेगी जिस वजह से अननेसेसरी हेडेक 14 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। नीज से रिलेटेड ट्रबल रहेगी, बैक बोन से रिलेटेड ट्रबल रहेगी, माइंड आपका डिस्टर्ब चलेगा, माइंड आपका ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। ये सारा समय आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आने वाला है, ये सारा समय आपके लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल लेकर आने वाला है। ये सारे समय में आप उस तरह की एनर्जी नहीं आपको आपके अंदर रहेगी जिस तरह की एनर्जी से आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर ज्यादा चलेंगी, माइंड डिस्टर्ब ज्यादा रहेगा, उलझे आप ज्यादा रहेंगे अपने आप को लेकर। देखिए हेल्थ को लेकर और मेंटली स्टेबिलिटी को लेकर पहले 14 दिन सितंबर मंथ के आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग जाने वाले हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड को अवॉइड करें। कैंसर, जितना ज्यादा आप मार्केट फूड को अवॉइड करेंगे, जंक फूड या ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये महीना 14 सितंबर तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, खास करके अपनी हेल्थ को लेकर। सो नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, नीड टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग हैबिट्स। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये महीना मंथ ऑफ सितंबर 2021 विल बी अ रिवार्डिंग फॉर यू। योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। व्हाट एवर यू परफॉर्म, यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। योर हेल्थ विल फाइन, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स आफ्टर 14 सितंबर। योर गुड लक इज इन योर फेवर, योर सोर्स ऑफ अर्निंग विल डेवलप, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मॉनेटरी गेन्स। बड़े भाई से प्रॉफिट होगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, या किसी दोस्त से आपको प्रॉफिट हो सकता है, या कुछ ऐसी एडवाइस आपको आपके दोस्त से मिल सकती है जो नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा आपको लाभवांछित करेगी। ये सारा समय कैंसर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बिजनेस में विस्तार होने वाला है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी डेवलप होने वाली है। देखें जो भी करें सोच समझ के करें, सीनियर्स की एक्सपर्ट्स की एडवाइस से चलें, बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, सक्सेस, फेम, प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। 14 सितंबर से जैसे ही जुपिटर आपके 8th हाउस को छोड़कर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, गुड फॉर्चून आपका शाइन करेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, फाइनेंस आपका अच्छा होगा, हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। 14 सितंबर तक किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट किसी को साइन करके ना दें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें। हाँ, फॉरन रिलेटेड अगर एक्टिविटीज हैं 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक तो आप कर सकते हैं। फॉरन के लिए पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं। फॉरन के रिलेटेड अगर ऑलरेडी पीआर अप्लाई किया हुआ है तो अप्रूवल आ सकता है, वर्क परमिट मिल सकता है। 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में फाइनेंस, फॉरन से रिलेटेड या फॉरन से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए अच्छा समय है, लेकिन 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर यानी मंथ एंड तक डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, अगर आप किसी किस्म का अपने देश में, अपने स्टेट में कोई बिजनेस करते हैं, या आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब स्विच ऑफ करने की सोच रहे हैं, आपके सीनियर्स आपको तंग कर रहे हैं, या आपके अंदर वर्क लोड आपका ज्यादा है, तो ये समय 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपकी जॉब स्विच ऑफ हो जाएगी। आप जिस तरह की जॉब चाहते हो आपको वैसी मिल सकती है, क्योंकि गुरु की लगन पे दृष्टि है, 11th हाउस पे है और आपके 3rd हाउस में, और गुरु आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शनि के साथ, और दोनों ही स्ट्रांग प्लैनेट हैं, दोनों ही बड़े, बहुत बड़े प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, और दोनों का कंजक्शन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी 14 सितंबर के बाद आप कर सकते हैं। देखिए 6 सितंबर को जो मंगल है वो भी आपके लगन के लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है, जो कि अपना साइन चेंज कर रहे हैं, लियो से वर्गो साइन में जा रहे हैं।
तो अगर वो भी देखें तो आपके कम्युनिकेशंस के हाउस में जा रहे हैं, कम्युनिकेशंस के थ्रू 6 सितंबर के बाद आपकी चीजें सॉल्व होंगी। 1 सितंबर से लेकर 22nd ऑफ सितंबर तक मर्करी ऑलरेडी थर्ड लॉर्ड ट्रांजिट इन थर्ड हाउस इन एग्जाल्टेड साइन, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स रहेगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर आपके रिश्ते बिखरे पड़े थे तो वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशंस विल मेक यू हैप्पी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस। सम गुड इवेंट्स विल हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 1st सितंबर टू 22nd ऑफ सितंबर 2021। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड टाइम फ्रॉम योर एल्डर siblings. This whole time will bring lot of good moment you will spend with your family, with your friends, with your near and dear. This whole time brings lot of happiness in your life. Just need to perform your best. Must chant this mantra: Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. The more you chant this mantra, the more you get fantastic results. This whole time, Cancer, you just need to perform Lord Shiv Chalisa. Every day morning, 3 times, 5 times, 7 times, 8 times, 9 times, 7 times, 11 times. The more you chant Om Namah Shivaya mantra, the more you read Lord Shiv Chalisa, you will feel magic in your life. Your old pending work will click and you will enjoy lot of peace of mind. Success is there. You need to perform your best. Put your efforts at your workplace. This whole month will bring some up and down in your personal life as well as professional life. But with your nice talks, with your efforts, you will get success in all aspects of your life. 14th September to 30th September will be an ultimate time when you will enjoy lot of happy moments when Jupiter enter in your Saptam Bhav, in your 7th house, which is one of the strongest position of the Jupiter. And you will enjoy lot of happy moments with your spouse, with your family and dear. Some new business opportunities will knock you. Someone may enter in your life as a new business partner and you may start some big business with someone and you will enjoy a lot of comfort. This whole time brings a lot of happiness for you and you will enjoy success in your life. You just need to chant this mantra Om Namah Shivaya and must read 108 name of Lord Shiva. Must read Lord Shiv Chalisa every day morning, 3 times, 5 times, 7 times, 11 times, and must chant Om Namah Shivaya 108 times, 121 times, 131 times. The more you chant this mantra, the more you feel magic in your life. Your old negativity will reduce and you will enjoy a lot of positivity. This whole time, Cancer, you just need to perform your best. Just believe on yourself and maintain your patience. Saturn is checking your patience in your 7th house. Aspecting is in your 1st house. You need to be careful while talking with others. Try to give respect to elders at your home. Give some respect to your friends, to your elders, to your spouse. You will definitely shine like a sun. I am praying for your happy future. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salaam, Jai Hind.